हे नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो मेरे हाथ में सिरप है, आज हम सिरप के बारे में बात करेंगे, इसके ब्रांड नेम के बारे में, इसके साल्ट नेम के बारे में, और इसके मेन यूजेज, इसके साइड इफेक्ट और इसके डोज के बारे में। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों इसका जो कंपनी ने नाम रखा है, ब्रांड नेम जो दिया है इसका सोवेटस JR, इसका कंपनी ने ब्रांड नेम दिया। दोस्तों अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाता है, एक कफ सिरप है दोस्तों खांसी का। तो दोस्तों चलिए साल्ट के बारे में जान लेते हैं, कंटेंट के बारे में। दोस्तों इसके अंदर जो है एम्ब्रोक्सोल, हाइड्रोक्लोराइड, टर्ब्यूटालीन सल्फेट एंड गुआफेसिन सिरप। तो दोस्तों इसकी ये साल्ट है। दोस्तों मैं इसका एक बार आपको ब्रांड नेम बता देता हूँ। दोस्तों इसका जो ब्रांड नेम है सोवेटस, ये अपने JS अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाता है दोस्तों, TML में होता है। दोस्तों मैं किसी कंपनी का ऐड नहीं करता, इसलिए मैं कंपनी का नाम नहीं लेता। तो दोस्तों चलिए इसके साल्ट यानी इसके कंटेंट्स के बारे में जान लेते हैं, ये साल्ट के बारे में जान लेते हैं कि किस बीमारी के काम में आता है। दोस्तों ये तीन दवाओं की कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में जान लेते हैं किस बीमारी के काम में आता है। एम्ब्रोक्सोल, हाइड्रोक्लोराइड, टर्ब्यूटालीन सल्फेट एंड गुआफेनासिन सिरप। तो दोस्तों ये जो है, ये इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है खांसी के लिए, इसका मेन यूज़ लिया जाता है जैसे दम्मा लम्बे वाली खांसी होती है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है, COPD वाली खांसी दोस्तों, जैसे बलगम वाली खांसी होती है इसमें इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों ये खांसी का ही सिरप है, खांसी के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों आप चलिए दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या होते हैं। जैसे दोस्तों उपकाई आनी, या जैसे किसी को उल्टी आ गई, या पेट में खराबी हो सकती है इससे, इसके लिए सिर्फ कॉमन साइड इफेक्ट होती हैं। दोस्तों अगर आपको इसके कुछ और कॉमन साइड इफेक्ट देखे तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। ये दोस्तों बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से भी आप इसे मेडिकल से खरीद सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये एम्ब्रोब्रोक्सोल कैसे काम करता है, इसकी मैं परिभाषा बता दें। एम्ब्रोब्रोक्सोल म्यूकस को पतला करता है और ढीला बनाता है, मतलब बलगम को पतला करके ढीला बनाता है, जिससे खांसी बलगम बाहर निकलता है और आसानी से बाहर आ जाता है। ब्रोक्सोल एक्सपेक्टोरेट खांसी रूप में बलगम सहायता से निकालता है। मूलाइट बलगम तरल और ढीला करता है और बलगम बाहर निकालता है। दोस्तों चलिए दोस्तों मैं इसमें क्वांटिटी बता देता हूँ आपको, इसकी कॉम्बिनेशन की मिक्सिंग बता देता हूँ क्या चीज़ इसमें कितनी है। एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड इसमें 10 मिलीग्राम है। टर्ब्यूटालीन सल्फेट इसमें 0.5 मिलीग्राम है। दोस्तों गुआफेनासिन इसमें 25 मिलीग्राम है। दोस्तों इसे डायरेक्टली ओरल मतलब मुंह से लिया जाता है। दोस्तों इसकी मैं डोज के बारे में बता देता हूँ, अगर आपको खांसी ज़्यादा है तो इसे 3 भी ले सकते हैं, अगर ज़्यादा खांसी है। वैसे इसे सिर्फ 2 लिया जाता है, और तीसरा जब आपको खांसी हो इसे तब आप ले सकते हैं। दोस्तों जो इसका मेन मुख्य टाइम होता है 2 ले सकते हैं, सुबह शाम, और अगर ज़्यादा खांसी है तो आप 3 भी इसे ले सकते हैं। और दोस्तों डोज की इसकी जो मात्रा होती है वज़न के अकॉर्डिंग, डॉक्टर वज़न के अकॉर्डिंग देता है। दोस्तों अगर 18 साल से बड़ा कोई मतलब आदमी है तो उसे 5 ml ये दिया जाता है सुबह शाम 5 ml। अगर 10 साल का बच्चा तो उसे 2.5 दे सकते हैं 10 से 18 साल तक के को। और दोस्तों अगर उससे छोटा बच्चा है तो उसे जैसे 5 साल तक का है, 5 साल से 10 साल तक का, तो उसे 1.5 यानी 1.5 ml उसे दे सकते हैं। दोस्तों तो इसकी डोज वजन के अकॉर्डिंग होती है। दोस्तों चलिए दोस्तों इसका मैं आपको एक बार मेन यूज़ बता देता हूँ। एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड टर्ब्यूटालीन सल्फेट एंड गुआफेनासिन सिरप। तो दोस्तों इसका जो मेन यूज़ दिया जाता है दम्मा वाली खांसी, या खांसी होती है बलगम वाली जिसे सूखी खांसी भी बोलते हैं, खांसी के लिए कफ सिरप है, खांसी के लिए इसका मेन यूज लिया जाता है। दोस्तों दोस्तों मैं किसी कंपनी का ऐड नहीं करता, इसलिए कंपनी का नाम नहीं लेता। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।